नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। और आज चर्चा करेंगे दालों के बारे में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पल्सेज एंड बिंड एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्र कुमार गर्ग जी और उप प्रधान गौरव गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं पल्सेज के बारे में क्या बता रहे हैं। प्रदीप जी, सुरेंद्र जी, गौरव जी, आप तीनों लोगों का दिल्ली बाजार में स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी, आपके चैनल और मीडिया के थ्रू जो हमारे को ये मौका मिला है। अपनी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट फ्री किया है, इसके बारे में व्यापारियों सहित आपका क्या राय है? देखो, मुझे ये इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। अभी भी किसी भी एसोसिएशन ने या किसी ने भी इस पक्ष को ढंग से नहीं समझाया है। और मेरे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और ऐसा भ्रांति फैलाई जा रही है कि 2017 के बाद आया है तब खोला गया है, तो 2017 से पहले भी 2017 हर फिजिकल ईयर में 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 इस सब फिजिकल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हर साल गवर्नमेंट कोटा के द्वारा इम्पोर्ट अलाउ करती थी। इस साल क्या हुआ, इस साल फिजिकल ईयर 21 और 22 के लिए 31 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ने अपना कोटा डिक्लेयर कर दिया था, जिसके लिए 4 लाख टन उड़द, 4 लाख टन तुअर, 1.5 लाख टन मूंग का इन्होंने कोटा डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी एप्लीकेशन भी 15 अप्रैल 2021 तक ली थी और सब लोगों ने भी उसमें एप्लीकेशन भी अपनी भर दी थी। और इस बार एज ए स्पेशल कैटेगरी ट्रेडर को भी अलाउ किया था मिलर के अलावा। तो ये जो नोटिफिकेशन था कोटे का, ये चेन्नई हाई कोर्ट में कोई तमिलनाडु एसोसिएशन द्वारा चैलेंज किया गया और जिसको लेकर के कोर्ट ने स्टे दे दिया, और इसकी सुनवाई अगली 28 जून 2021 को होगी। तो इस दरमियान प्राइस बहुत बढ़ रहे थे, तो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि भाई गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कदम है ताकि सप्लाई ना रुके और माल बराबर आए और प्राइस भी चेक रहे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। और सेम टाइम में एक बहुत बड़ा मेरा गवर्नमेंट के प्रति क्वेश्चन भी है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसको पर एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाए। ये जो स्टे मिलता है, इसमें दो जगह खामी हो सकती है। या तो मुझे नहीं पता किस क्या सोच करके नोटिफिकेशन निकलते हैं जिसमें खामियां होती हैं, अगर उनके तरफ से खामी है तो DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अगेंस्ट में उनको ये चीज़ जुडिशियल इंक्वायरी बैठानी चाहिए, या फिर जो जज जो ये स्टे देते हैं उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों करते हैं, रुकावट क्यों करते हैं, गवर्नमेंट का जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है तो किस बेस पे वो सरकार के काम में रुकावट पैदा करते हैं। प्रदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा आगे बढ़ते हुए कि व्यापारियों से स्टॉक मांगा जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे सरकार 3 बिल लेकर के आई थी और फार्मरों ने जो प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 4 आदमियों की सदस्य समिति बनाई थी, जिसमें से 1 आदमी हट गए थे, तो 3 आदमियों की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में दे दी। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नहीं देता, चाहे वो भले ही प्रेसिडेंट से वो पास हो गया है, पार्लियामेंट से पास हो गया है, सब जगह से पास हो गया है, तो इसको अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लागू नहीं किया गया। तो जिसमें सरकार की मेन मंशा जो थी ना, कि या तो कोई आपातकाल हो जाए या कोई सूखा हो जाए या कोई लास्ट ईयर या लास्ट 5 साल के जो रिटेल प्राइस है उनकी एवरेज से 50% से ऊपर ना आ जाए दालें, जब तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभी विचाराधीन है हमारी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद फिर ये जो सरकार ने मांगा है कि भाई जितने भी हमारे मिलर हैं, इम्पोर्टर हैं, व्यापारी हैं, इन सबसे स्टॉक स्टेटमेंट मांगा है, सरकार का पूरा हक है, वो अपनी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 और 5 में HNI के अगेंस्ट में किसी से भी उनका रिकॉर्ड मांग सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सितंबर 2020 में जो बिल थे वो भी कैप्टन अवेंस पड़े हैं, वो भी लागू नहीं है।
लेकिन जो ये सरकार ने मांगा है कि भाई ये स्टॉक स्टेटमेंट दो, इससे सिर्फ पेपर वर्क बढ़ेगा और इससे सिर्फ हमारा मानना है कि इससे कोई सरकार का आलंकन और इसका पर्पज इसका सॉल्व नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि भाई सरकार ने जो ये डेटास मांगे हैं ना, क्योंकि सरकार के यहाँ पर सरकार को थोड़ी सी अपनी खामी ढूंढनी पड़ेगी। सरकार शुरू से इवन उनका थर्ड एस्टिमेट आया है कि 256 लाख टन की पैदावार हुई है, जबकि चना सबसे राजा होता है दालों में, चने का इन्होंने 126 लाख टन इन्होंने थर्ड एस्टिमेट में भी बोला है कि 126 लाख टन का इस साल प्रोडक्शन है। और जबकि जमीनी हकीकत में हम सब लोग जो आपस में व्यापारी लोग बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो हमारे हिसाब से ये 86 लाख टन से ज़्यादा की पैदावार नहीं है चने की। तो 40 लाख टन का जो इतना बड़ा गैप आ गया एक सिर्फ चना कमोडिटी में और बाकी कमोडिटी को मिलाओ तो 50 लाख टन का गैप है। तो सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना बड़ा उनके अनुमान के हिसाब से इतना बड़ा प्रोडक्शन हुआ है तो कहीं किसी व्यापारी ने कोई होर्डिंग तो नहीं कर ली जिससे भाव थोड़ा बढ़ना चालू हुए हैं। तो सरकार को इधर काम करना पड़ेगा, सरकार को इधर सोचने की जगह व्यापारी ने कोई होर्डिंग करी है उसकी जगह ये सरकार को इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा कि वाकई क्या प्रोडक्शन बहुत कम है क्या। और ये तो एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ये तो कोरोना हो गया, पिछले साल कोरोना का सिचुएशन हो गया, इसमें बहुत कैजुअलिटी हुई, हमें भी सब बहुत दुख है, लेकिन इसके कारण ना ढाबे खुले ना रेस्टोरेंट खुले ना शादियाँ हुई, तो इससे देखा जाए तो खपत कम हुई है। अगर ये रेगुलर होता इस साल तो दाल की शॉर्टेज तो बहुत पहली बन जाती। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उनके जो आंकड़े हैं वो जमीनी हकीकत से बहुत फर्क के साथ। एक बात और बोलना चाहूँगा, लास्ट ईयर जब भरपूर उत्पादन हुआ था और उस टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत 14 लाख टन चना इन्होंने 80 करोड़ हमारे गरीब भाइयों को बांटा था, तो इस साल सरकार ने आप देखो सिर्फ इस साल सरकार ने दाल नहीं दी, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि उनके पास इतनी माल की आपूर्ति नहीं है जितनी उनके पेपर में दिखाई जा रही है, अदरवाइज वो तो गरीब कल्याण योजना में इस साल भी देती ना। तो सरकार ने उधर बिल्कुल इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेलिंग वर्किंग करनी पड़ेगी कि जो ये फिगर पेपर पे है और जमीनी हकीकत है उसमें बहुत फर्क है। आइए बात करते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल दालों के ऊपर काफ़ी जो है चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से खाद्य तेल और दालों के रेट खुदरा में बढ़े हैं और उसको देखते हुए सरकार ने व्यापारियों से स्टॉक मांगा है, इस बारे में आपका क्या राय है? रंजन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दालों पर चर्चा के लिए हमारी एसोसिएशन में आए और नया बाज़ार के व्यापारियों की राय जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे देश के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी, जो इन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की नीति बनाई ताकि किसान भी हर आदमी के साथ तरक्की करे, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा आपने कहा अभी कि दालों में तेज़ी के लिए चर्चा में है या स्टॉक अपलोड के लिए सरकार ने आदेश किए हैं, सबसे पहले तो मैं, आप भी दाल के उपभोक्ता हैं और मेरा परिवार भी दाल का उपभोक्ता है, सबसे पहले तो मैं, हमें यह समझना होगा कि आज से 5 साल पहले सरकार द्वारा जो घोषित MSP थे पल्सिस के, 60% के भाव तो सरकार द्वारा बढ़ा दिए गए हैं किसानों की आय दोगुना करने के कदम पर। 60% जब वो कच्चा माल बढ़ जाएगा तो उसके बाद उसको माल पक्का माल कन्वर्ट करने में, उसकी दाल तैयार करने में वो भाव 70-75% ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे 5 साल। ये हम सब उपभोक्ताओं को, हमारे मीडिया चैनलों को, मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि प्रचार ये होना चाहिए कि दालों में तेज़ी नहीं है, ये किसानों की आय को दोगुना करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होने जा रहा है, उसका हमें सबको साथ देना चाहिए, इसको तेज़ी नहीं मानना चाहिए। चने का भाव सन 2375 रुपये था मंडियों में, वो आज 5100 रुपये सरकार द्वारा कर दिया गया है। मूंग का भाव 4600 रुपये था,
जो कि आज 7275 रुपये MSP कर दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको देखते हुए अगर आप 5 साल पहले के दालों के रेट देखेंगे, आप अपने घर में भी जाकर पूछेगा रंजन जी कि 5 साल पहले दाल क्या रेट खरीद के लाते थे, और उसके ऊपर 75% जोड़ लीजिए, तो आज के दिन दालें उससे सस्ती हैं, महंगी नहीं हैं। आप किसी भी साल के रेट उठा लीजिए MSP के हिसाब से, आपको दालें सस्ती नज़र आएंगी, महंगी नज़र नहीं आएंगी। दूसरा, अगर हम सब लोग ये समझेंगे कि हाँ वाकई में ये हकीकत है, और आप मूल्यांकन पर जाइए 14-15 के और आज 2021-22 के, 2021 और 21-22 के, तो दालें उल्टा आपको बाज़ार से सस्ती मिलेंगी, महंगी कोई चीज़ नहीं है। जबकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ये सब खर्चे हमारे उस पर बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन तभी बढ़ती है जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है, उसका असर भी हमारे खाद्यान्न पर पड़ता है, सरकार को उसके बारे में भी। दूसरी बात यह है कि खुदरा कंपनियों के रेट जो आप लोग लेते हो, मैंने परसों हमारे एक आज तक की टीम आई थी, मैंने उनसे भी अनुरोध किया था, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया चैनल के अनुरोध करता हूँ मैं कि खुदरा के रेट इसमें ना प्रिंट किए जाएँ। अगर खुदरा के रेट प्रिंट कर रहे हैं तो साथ में हमारे नया बाज़ार अनाज मंडी के होल सेल रेट प्रिंट किए जाएँ, तब पब्लिक को और सरकार को पता लगेगा कि जो 50-60% का गैप है होलसेल में रिटेल में, ये कैसे कम कर सकते हैं, वो सरकार निर्धारित करे उसको रेट को कम कैसे कम किया। मैं एक विश्वास केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और सभी मीडिया चैनलों को एक विश्वास हमारे सब अनाज व्यापारियों की तरफ से देना दिलाना चाहता हूँ कि हमारा अनाज व्यापारी एक बहुत मिनिमम मार्जिन पे अपना माल बेचना चाहता है। जो प्रोडक्शन हमारे दाल मिलर से सवेरे तैयार होती है वो शाम तक उसको अपने मिनिमम मार्जिन पे बेच के जाना चाहता है, ताकि अगले दिन की प्रोडक्शन फिर तैयार होती है, अगले दिन फिर बेचता है। दूसरा, जो हमारे होलसेल ट्रेडर हैं वो भी, अगर कोई आज माल उसने 6500 में ख़रीदा, वो जैसे 200-300 रुपये कुंटल उसको 3-4% का मार्जिन मिलता है, तुरंत उसको बेच के जाता है, कोई माल का स्टॉक नहीं रखना चाहता, स्टॉक मजबूरी में होता है, जब उल्टा 6500 खरीदी हुई मार्केट में 6000 रह जाती है तो वो स्टॉक की उस पर आ जाता है। गौरव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आए दिन सरकार की बदलती हुई नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे व्यापार के प्रति। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, आप दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ऑफिस में आए और हमारी व्यापारियों की बात आगे समक्ष को रखते हुए। सरकार की नीतियों से, रोज़ रोज़ बदलती नीतियों से इस बार व्यापारी पूरी तरह त्रस्त हो गया। हर 15 दिन में 20 दिन में कभी कोई नीति आती है, कभी कोई नीति आती है, आयात निर्यात से लेके, कभी आयात खोला जाता है, कभी आयात रिस्ट्रिक्टेड करा जाता है, कभी ड्यूटी बढ़ाई जाती है, कभी ड्यूटी घटाई जाती है। तो उससे एक तो हमारी देश की प्रतिष्ठा, आज हम आयात भी करते हैं तो हम विदेशों से आयात करते हैं तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो कमिटमेंट होती है, एकदम से सरकार ने कोई आइटम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और किसी व्यापारी की, किसी इंपोर्टर की कोई कमिटमेंट है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे प्रतिष्ठा उस व्यापारी की, उस संस्थान की बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए सरकार की कोई भी नीति बने, चाहे आयात निर्यात से लेके हो, चाहे घरेलू व्यापार से लेके हो, वो कंसिस्टेंट हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो एक सोची समझी नीति हो। आए दिन नीतियां बदलने से व्यापारी एक ट्रेड हैम्पर होता है और व्यापारी बहुत नुकसान में आ जाता है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कोई भी नीति हो एक कंसिस्टेंट बने, एक लॉन्ग टर्म के लिए बने, जो कि जिससे व्यापार सुचारू रूप से चले। कोई भी नीति बनती है वो व्यापारियों के लिए बनती है और ये चेन है, किसान, व्यापारी, इम्पोर्ट, आयातक, मिलर, ये सब एक चेन है और ये चेन तभी सही रहेगी जब एक नीति लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी। गौरव जी, चलते चलते आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में सरकार ने दलहनों की MSP जो है तय की है, नई MSP आ गई है कुछ दालों की, खरीफ दालों की, तो जो नई MSP आई है कुछ दालों की, तो क्या इससे सचमुच किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए MSP तय की गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि किसानों की आय दुगनी हो, जिसके एवज में वो MSP बढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ व्यापारियों की, मिलर की कॉस्टिंग भी बढ़ती है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ MSP बढ़ने के बाद अगर तुअर दाल है, तुअर दाल की MSP 6300 होने के बाद तुअर दाल घर में हमारे 100 रुपये पड़ती है, जो एक व्यापारी आदमी 1-2% मुनाफा लेके मिलर आगे बेच लेता है। तो सरकार को चाहिए कि एक थोड़ा सा, हम महंगाई जब
मुद्दा उठाते हैं तो हमारे को रिटेल का जो इतना गैप है, डिफरेंस है रिटेल में 70% मार्जिन, कई कंपनी वाले, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, सरकार चेक कर सकती है, आप लोगों को तो पता ही है, तो वो मार्जिन कुछ कम हो जिससे हमारे को व्यापारियों को एक बुरी नज़र से, एक जमाखोर और ऐसी संज्ञा दी जाती है। प्रदीप जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार MSP तो तय कर दी, लेकिन उन MSP पर सरकार ना तो माल खरीद रही है और न ही व्यापारी उस भाव पर माल खरीद रहे हैं, कारण क्या है? रंजन जी, जैसा सुरेंद्र जी ने बताया, लास्ट 5 साल में MSP बहुत बढ़ गया है और ये मोदी जी का सपना भी है कि सरकार की जो किसान की है उनकी आय डबल हो जाए। तो जो ये फार्मूला बनाया गया है, CACP ने जो फार्मूला बनाते हैं तो वो अपने वेरियस फैक्टर्स कंसीडर करते हुए उसकी कॉस्टिंग लेते हैं और कॉस्टिंग के बाद उसके ऊपर 78% के करीब लास्ट की ईयर की जो MSP थी उसके ऊपर उन्होंने 78% मार्जिन रखा किसानों के लिए। तो MSP तो एक आईना होता है। MSP का ये मतलब नहीं होता कि इसी एक कोई फिक्स प्राइस हो गई, कोई बॉन्ड प्राइस हो गई। तो MSP तो एक आईना होता है और इसको ये इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो जब कभी भी अगर ये इस तरह से MSP बढ़ती है और डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो MSP से ऊपर चला जाता है, जब ये अगर डिमांड कम होती है तो MSP से नीचे आ जाता है। लेकिन जहाँ तक हम व्यापारी भाइयों का इसमें रोल होता है वो सिर्फ इतना ही होता है जो हमें मार्केट से रेट मिलता है और वो मार्केट से लेकर के हम अपने जो हमारी मिलिंग का खर्चा आता है उसको हम होलसेल प्राइस में बेचते हैं। और लास्ट 20 साल से जो होलसेल और रिटेल प्राइस में फ़र्क है वो जो 10-20% आता था अब 70% हो गया है। तो सरकार को ये सारे फैक्टर समझने चाहिए और सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है, ये हमारी नेवजार की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर हमारी पल्सेस इंपोर्टर एसोसिएशन भी है, यहाँ पर दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन भी है, यहाँ पर दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन भी है, तो सब अपने फील्ड में माहिर हैं। तो एक बार मैंने यही बात अपने पिताजी से करी थी कि भाई आजकल क्या चक्कर है कि जो भी सरकार है वो भारत सरकार है वो कोई भी तो हम व्यापारी की सुनना ही नहीं चाहता, किसी एसोसिएशन की सुनना नहीं चाहता। जबकि तो हमारे पिताजी ने बोला अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तो एसोसिएशन की बहुत वैल्यू होती थी, हर एसोसिएशन को सुना जाता था। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सारी एसोसिएशन से शायद उनको हो सकता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला हो, लेकिन हमारी क्योंकि अंडर वन रूफ हमारी ये तीनों एसोसिएशन है जो तीनों लाइन में एक्सपर्ट्स हैं, तो जब कभी भी सरकार को उचित लगे तो हमसे हमार को बुला करके हमारे से वन टू वन फेस टू फेस बात कर करके हमारे से इनपुट ले सकते हैं और हमारे सजेशन ले सकते हैं, और मानना ना मानना तो सरकार के हाथ में। सुरेंद्र जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहूँगा कि चावल एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इस बारे में व्यापारियों सहित आपका क्या विचार है? देखिए रंजन जी, चावल के बारे में मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मेरा तो एक ही अनुरोध है कि अब की बार किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल पाया जो बासमती वैरायटी का धान है, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है सबसे कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए, निर्यातकों को इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए कि ताकि चावल का उनको उचित मूल्य मिले, चावल का उचित मूल्य निर्यातकों को मिलेगा तो किसानों को भी उनकी धान का उचित मूल्य मिलेगा, और ये भी उसी दिशा में एक कदम होगा जो प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति दोगुनी आय करने का। दिल्ली बाजार से बात करने के लिए प्रदीप जी, सुरेंद्र जी, गौरव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपके माध्यम से हम अपने विचार प्रस्तुत कर सके, और उम्मीद करते हैं कि भाई ये अगर वीडियो सरकार पे भी जाती है तो सरकार भी इसके ऊपर कोई सिंसेर होकर करके इसके ऊपर विचार करेगी।